जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे खास प्रयोग के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होगा, साथ ही पूरी दुनिया आपके घुटनों के नीचे होगी। कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, हर जगह आपका आदर होगा। देखा जाए तो आप राजा के समान अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगेंगे, राजा के समान सुख संपत्ति का आगमन होगा। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा खास है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी प्रयोग या फिर उपाय करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आस्था या फिर विश्वास का होना। आप ईश्वर में पूर्ण आस्था या विश्वास रखकर ही उपाय करें, क्योंकि अगर आपको विश्वास है तो आप पत्थर में भी भगवान को देख सकते हैं, और अगर विश्वास नहीं है तो स्वयं भगवान आपके सामने आ जाएंगे तो भी आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। तो अगर आप इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो ही आपको इसका फल प्राप्त हो पाएगा। आज का ये प्रयोग आपके मन को पूरी तरह से मजबूत बना देगा, और मन तो मजबूत होगा ही, साथ ही आप हर समय अंदर से खुश भी रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे। और अगर आप आंतरिक मन से खुश हैं तो कोई भी आपको बाहरी रूप से दुखी नहीं कर सकता। तो ध्यान से सुने, पानी एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ में प्रवेश कर जाती है, यानी कोई भी वस्तु पानी की धारा को रोक नहीं सकती। पानी हर जगह समाहित हो जाता है, पानी अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, लेकिन पानी जिसके भी साथ मिल जाता है उसी का स्वरूप धारण कर लेता है और उसी के समान फल प्रदान करने लगता है। पानी के माध्यम से आप अपने जीवन में हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, माता पिता उसकी वजह से परेशान रहते हैं, तो ऐसे में आपको करना क्या है, एक कांच के ग्लास में आप साफ पानी ले लें और उस पानी को ध्यान से देखते हुए आपको खुद अपने इष्ट देव को अपने मन में धारण करना है, अपने इष्ट देव को मन में स्थापित करना है और उस जल को देखते रहना है, और देखते हुए आपको बोलना है, अब मेरा मन पढ़ाई में लगने लगा है और अब मैं रोज़ाना इतने घंटे पढ़ाई करूँगा, अब मैं हमेशा ही अपनी क्लास में उच्च आने का प्रयास करूँगा, और अपने इष्ट देव का 7 बार नाम लेना है। इससे वह जल अभिमंत्रित हो जाएगा और फिर उस जल को अपने बच्चे को पिला देना है। दोस्तों, विश्वास कीजिए, यह इतना शक्तिशाली प्रयोग है कि कुछ ही दिनों में इसका फल आपको देखने को मिलने लगेगा। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अंधेरे में जाने से डर लगता है, तो इसी तरह से आपको एक ग्लास साफ पानी लेना है और उस पानी को देखते हुए अपने इष्ट का ध्यान करें और कहें कि मुझे अंधेरे में डर नहीं लगता, और ऐसा कहकर उस पानी को उस व्यक्ति को पिला दें। यकीन मानिए, उस व्यक्ति को फिर कभी अंधेरे से डर नहीं लगेगा। नाम जप में बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है दोस्तों, आप यकीन मानिए कभी आपको डर नहीं लगेगा, हर समस्या का समाधान होने लगेगा। दोस्तों, जल जो है वो पंच तत्व में से एक माना जाता है, हमारे पूरे शरीर में विद्यमान होता है। आपके शरीर में मौजूद पानी न केवल आपके शरीर को मजबूत बनाता है बल्कि यह आपके चंद्रमा को भी मजबूत बनाने का कार्य करता है। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह कहा जाता है, इसलिए चंद्रमा का बलशाली होना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होने की वजह से हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा किरदार निभाता है। अगर आप स्वयं किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आपको बस अपने इष्ट देव का नाम जाप करते हुए जल को देखना है और कहना है कि मुझे इस समस्या से कुछ दिनों में छुटकारा मिल जाएगा, और उस जल को अभिमंत्रित करके पी लेना है।
ऐसा आपको 7 दिनों तक करना है। आप 7 दिन के भीतर ही इसका प्रभाव देखने लगेंगे और 7वें दिन तो समस्या बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। ये थी एक छोटी सी वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।